जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है। जब शराब बंदी नहीं थी तब भी जहरीली शराब से यहाँ भी मरते थे। शराबबंदी के बावजूद बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने से 31 लोगों की मौत हो चुकी है। इतने बड़े पैमाने पर जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के बाद नीतीश सरकार की शराबबंदी व्यवस्था और शराबबंदी कानून सवालों के घेरे में है। बीते बुधवार को भी इस शराब कांड को लेकर बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार से भाजपा विधायकों ने सवाल किए। इन सवालों का जवाब देते हुए नीतीश कुमार हत्थे से उखड़ गए और सवाल करने वाले बीजेपी के विधायकों को ही शराबी कह डाला। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकमत हिंदी पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सुष्टिवा। बीते बुधवार को बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। शोर शराबे के बीच मुख्यमंत्री से तीखे सवाल किए गए और शराब कांड को लेकर उन पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहा। इस बीच मुख्यमंत्री भी ये कहने से बाज नहीं आए कि आप ही तो लोग थे जो हमारे समर्थन में थे जब हमने बिहार में शराब बंद की थी, अब क्या हो गया है। नीतीश कुमार चीख चीख कर कह रहे थे कि अरे तुम ही लोगों ने उस वक्त हमारा समर्थन किया था, आज क्या हो गया है तुम लोगों को। लेकिन विपक्षी सदस्य नीतीश कुमार की सारी दलीलों को अनसुना करके छपरा शराब कांड पर शोर किए जा रहे थे। फिर क्या था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एकदम से उखड़े और भाजपा विधायकों को डांटते हुए कहने लगे, तुम शराबी हो क्या, ए चुप रहो, क्या बात कर रहे हो, शराबी हो गया है तुम लोग। इसके बाद नीतीश कुमार विधानसभा की चर्चा बीच में ही छोड़कर चले गए। नीतीश के आक्रामक रुख और शराब के कारण हो रही मौत का मामला न केवल बिहार बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। सब तरफ से नीतीश कुमार के आपा खोने की आलोचना हो रही है, जिसके बाद अब नीतीश कुमार ने मामले में सफाई दी। समाचार एजेंसी एनआई से बात करते हुए उन्होंने छपरा शराब कांड पर सफाई देते हुए कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर केवल राजनीति कर रहा है। अरे जब यहाँ शराबबंदी नहीं थी तब भी तो लोग शराब से मरते थे, लोग शराब के नाम पर न जाने क्या क्या पी रहे हैं। दूसरे राज्यों में तो शराबबंदी नहीं है और वहाँ भी जहरीली शराब के चलते लोगों की मौत हो रही है, लोगों को खुद सावधान रहना चाहिए। अब बिहार में तो शराबबंदी है, उसके नाम पर कुछ न कुछ नकली चीज बेची जाएगी जिसको पीने से लोगों की मौत होगी। बिहार में शराब पूरी तरह से बैन है, लेकिन इसके बावजूद कई लोग गलत तरीके से इसे यहाँ पर भेजते हैं। शराब बेहद खराब चीज है और लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। ये स्लो पॉइजन है जो लोगों के शरीर को खोखला कर देती है। बिहार सरकार शराबबंदी को लेकर प्रतिबद्ध है और उसका सख्ती से पालन किया जाएगा। शराब कितनी बुरी चीज है, कितने लोगों की मौत होती है और जहरीली शराब से तो शुरू से लोग मरते हैं और देश भर में मरते हैं। यहाँ जितना जहरीली, जब शराब बंदी नहीं थी तब भी जहरीली शराब से यहाँ भी मरते थे, लेकिन अन्य एक मिनट जान लीजिए, अन्य राज्यों में भी बहुत भारी संख्या में लोग जहरीली शराब से मरते थे। तो हम लोगों ने तो शराब लागू कर दिया, लेकिन आपको मालूम है सबसे पहले 16 में ही ना जहरीली शराब की बात हुई थी और उसका जितना जहरीली शराब हम लोगों ने उस पर कितना एक्शन करवाया। तो जितना जहरीली शराब, और जानते ही हैं कि लोगों को सचेत रहना चाहिए, यहाँ तो शराब बंदी है तो कुछ गड़बड़ तो बेचेगा ही, तो लोगों की मौत हो जाती है। तो इसको याद रखना चाहिए कि शराब नहीं पीना है, शराब बड़ी बुरी चीज है, लेकिन फिर भी कोई पी लेता है। कल बिहार विधानसभा में आक्रामक तेवर और उसके बाद डैमेज कंट्रोल वाला ये बयान नीतीश कुमार का सामने आ चुका है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर जब जहरीली शराब से बिहार में मौतें हों तो क्या ये कहना सही होगा कि बिहार में शराबबंदी का कानून फुल प्रूफ तो नहीं है। लगातार विपक्षी नेता नीतीश कुमार को घेर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि छपरा कांड में अब तक 31 लोगों की मौत हो चुकी है और 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए आप लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।